वेलकम टू एमएफ बुक्स। हमारा आज का टॉपिक है मुस्तनसर हुसैन तारा। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम। मुस्तनसर हुसैन तारा पाकिस्तान के सबसे मशहूर सफरनामा निगार हैं। अब तक 50 से ज़ायद कुतब लिख चुके हैं। उनकी बजाय शोहरत सफरनामे और नावल निगारी है। इसके अलावा ड्रामा निगारी, अफसाना निगारी और फन अदाकारी से भी वाबस्ता रहे हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अदीब हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ के हालात जिंदगी पर अगर बात की जाए तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ का आबाई ताल्लुक गुजरात के साबका इलाके हाफजाबाद से है, जो कि अब खुद एक जिला बन चुका है। लेकिन इस वक्त मुस्तनसर हुसैन तारड़ अपना ज्यादातर वक्त लाहौर में गुजारते हैं। बचपन में पाकिस्तान को अपनी आंखों से बनते हुए देखने का मौका मुस्तनसर हुसैन तारड़ को हासिल हुआ। जनाब मुस्तनसर हुसैन तारड़ के वालिद साहब का नाम रहमत खान तारड़, जो कि गुजरात के एक काश्तकार घराने से ताल्लुक रखते थे। मुस्तनसर साहब ने अपने वालिद साहब से गहरा असर कबूल किया है। इनके वालिद सीड्स की शॉप यानी बीजों का कारोबार किया करते थे। मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने उनकी जिंदगी के अंदर ही उनसे बिजनेस और बहुत कुछ सीखा। अगर बात की जाए मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के इब्तदाई हालात की तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ 1 मार्च 1939 यानी अगर आप गौर करें तो करारदादे पाकिस्तान से तकरीबन 1 साल पहले लाहौर में पैदा हुए। बैडन रोड पर वाके लक्ष्मी मेंशन में उनका बचपन गुजरा, जहां सादत हसन मंटो पास में ही रहते थे। इन्होंने मिशन हाई स्कूल, रंगमहल और मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल में तालीम हासिल की। मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। एफए के बाद बरतानिया और यूरोप के दूसरे मुमालिक का रुख किया, जहां फिल्म, थिएटर और अदब को करीब से देखने, समझने, परखने और बरतने का मौका मिला। आप 5 साल वहां गुजारने के बाद टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करके पाकिस्तान वापस तशरीफ ले आए। अगर बात की जाए इनकी अदबी खिदमात की तो टीवी ड्रामों में इन्होंने काम किया, मुतद्दद असफार किए। आजकल अखबारे जहां में हफ्ता वार कालम लिखते हैं। इसके अलावा नावल के हवाले से भी वो एक अहम नाम समझे जाते हैं। उन्होंने बहाव, राख, खसो खाशाक, जमाने और ए गजाल शब जैसे शोहरा आफाक नावल तख्लीक किए हैं। इसके अलावा आपने टीवी प्रोग्रामों की मेजबानी भी की है, जबकि एंकर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझा जाता था। पीटीवी यानी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन ने जब पाकिस्तान से बच्चों की या सुबह की नशरियात का आगाज 1988 में किया, जिसका नाम सुबह बखैर के नाम से शुरू किया गया, तो उसके सबसे पहले एंकर मुस्तनसर हुसैन तारड़ थे। इन नशरियात के कई साल तक मेजबानी के फ़राइज़ सरंजाम देने के बाद इन्होंने रेडियो प्रोग्रामों में भी मेजबानी की। 1957 में शो के आवारगी उन्हें मास्को ले गया। रूस में होने वाले यूथ फेस्टिवल में उस सफर की रुदात 1959 में हफ्त रोजा कंदील में शाये हुई। इस सफर की रुदात पर नावलट फाख्ता लिखी गई। ये कलमी सफर का बाकायदा आगाज था। अगर बात की जाए इनके टीवी पर किए गए काम की तो पाकिस्तान लौटने के बाद जब उनके अंदर का एक्टर जागा तो इन्होंने पीटीवी का रुख किया। उस वक्त वैसे भी इतने ज्यादा चैनल्स नहीं हुआ करते थे। पाकिस्तान में गवर्नमेंट के मातहत चलने वाला सिर्फ एक इदारा पीटीवी ही था। पहली बार बतौर अदाकार इन्होंने जो ड्रामा किया वो था पुरानी बातें।
इसी तरीके से जब ये पुरानी बातों में नाजल आए तो इस ड्रामे ने इनकी शोहरत को दवाम बख्शा। उसके बाद आधी रात का सूरज बतौर मुसन्नफ इनका पहला ड्रामा था जो कि 1974 में ऑन एयर हुआ। आने वाले बरसों में मुख्तलिफ हैसियतों से टीवी से मुंसलिक रहे, जहां कई ड्रामे लिखे वहीं सैकड़ों बार बतौर अदाकार या एंकर इनकी आंखें कैमरे से लड़ी। पाकिस्तान में सुबह की नशरियात को ओज बख्शने वाले मेजबानों में इनका शुमार होता है और सुबह बखैर से इन्होंने चाचा जी के नाम से बहुत शोहरत पाई। 2014 में एक्सप्रेस टीवी पर सफर है शर्त के नाम से सफरनामा का प्रोग्राम भी करते रहे। जियो टीवी पर शादी के हवाले से भी इन्होंने एक प्रोग्राम किया। इसी तरह अगर ड्रामों पर बात की जाए तो नावल और सफरनामों के अलावा मुस्तनसर साहब ने ड्रामे भी तहरीर किए, जिनमें काबिले जिक्र ये हैं शहीद पर, हजारों रास्ते, परिंदे, सूरज के साथ साथ, एक हकीकत एक अफसाना, कैलाश, फ्रेम। अगर बात की जाए सफरनामों की तो 1969 में वो यूरोपियन ममालक की सियाहत पर रवाना हुए। वापसी पर निकले तेरी तलाश में के नाम से सफरनामा तहरीर किया। ये 1971 में शाये हुआ। कारीन और नाकेदीन दोनों ही ने इसे हाथों हाथ लिया। इस किताब को मिलने वाली पिजीराई के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगला सफरनामा उंदुलस में अजनबी था। 42 वर्षों में 30 सफरनामे शाये हुए, 12 सिर्फ पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात के बारे में हैं। पाकिस्तान की बुलंदतरीन चोटी केटू पर उनका सफरनामा इस कदर मकबूल हुआ कि 2 हफ्ते में पहला एडिशन खत्म भी हो गया था। इस इलाके से उनके गहरे ताल्लुक की बिना पर वहां की एक झील को तारड़ झील का नाम दे दिया गया है। इनके चंद नुमाया सफरनामों की फहरिस्त ये है: निकले तेरी तलाश में, उंदलस में अजनबी, खाना बदोश, नांगा पर्वत, नेपाल नगरी, सफर शुमाल के, कलाश, पतली पैकिंग की, शमशाल बेमिसाल, सुनहरी उल्लू का शहर, कैलाश दास्तान, मास्को की सफेद रातें, याक सराय, न्यूयॉर्क के सोरंग, हेलो हॉलैंड, अलास्का हाईवे, लाहौर से यारेकन, अमेरिका के सोरंग, ऑस्ट्रेलिया आवारगी, राका पोशीनगर और सिंध बहता रहा। अवायले उम्र में सोवियत यूनियन के सफरनामे, लंदन से मास्को तक से उन्होंने सफरनामों की इब्तदा की। इसके बाद निकले तेरी तलाश में से उन्होंने उर्दू अदब में सफरनामे लिखने के लिए एक ऐसा अंदाज मुतारफ करवाया जिसकी इब्तदा में कई सफरनामे लिखे गए। इन्होंने सफरनामा को दिलचस्प, पुरमजा, आसान और सलीस तहरीर से अदब में सफरनामों के कारीन की एक कसीर तादाद पैदा की। मंजर निगारी करते हुए वो अल्फाज की ऐसी जादुई बिंत बनाते हैं कि पढ़ने वाला इस मुकाम और मंजर से भरपूर वाकफियत हासिल कर लेता है। निकले तेरी तलाश के बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और उंदलस में अजनबी, खाना बदोश, केटू कहानी, नांगा पर्वत, याक्सराय, रत्ती गली, चतराल दास्तान, उम्जा दास्तान, शुमाल के सफरनामों से ऐसे सफरनामे तहरीर किए जिनको पढ़कर कई लोग आवारा गर्द बनकर इन मुकामों को देखने इन जगहों तक जा पहुंचे। गारे हिरा में एक रात और मुंह दिल काबा शरीफ इनके वो सफरनामे हैं जो हिजाज मुकद्दस के बारे में तहरीर किए गए हैं। न्यूयॉर्क के सोरंग, मास्को की सफेद रातें, पतली पैकिंग की सुनहरी उल्लू का शहर भी यादगार सफरनामे कहे जा सकते हैं। अगर बात की जाए नावल निगारी की तो सफरनामे के मैदान में अपना सिक्का जमा कर नावल निगारी की जाने वाले अव्वलीन नावल प्यार का पहला शहर ही बेस्ट सेलर साबित हुआ। अब तक इसके 50 से जायद एडिशन शाये हो चुके हैं। यूं तो हर नावल मकबूल ठहरा, अलबत्ता राख और बहाव का मामला मुख्तलिफ है, खुसूसन
बहाव में इनका फन अपने औज पर नजर आता है और पढ़ने वालों ने खुद को हैरत के दरिया में बहता महसूस किया है। इस नावल में तारण साहब ने तखय्युल के जोर पर एक कदीम तहजीब में नई रूप फोंक दी। बहाव वादी सिंध के एक शहर का अहवाल है जो एक कदीम दरिया सरस्वती के मादूम और खुश्क हो जाने का बयान है, जिससे पूरी तहजीब फना के घाट उतर जाती है। नावल की जुबान इंतहाई मुनफरिद है। इसमें सिंधी, संस्कृत, ब्राह्मी और सराइकी जुबान के अल्फाज जा बजा मिलते हैं, जिससे नावल का तर्ज तहरीर और उसलूब मुनफरिद हो जाता है। बहाव के तर्ज तहरीर और जुबान की मिसाल मिलना मुश्किल है। ये एक अनोखी तख्लीक है, बकौल मुसन्निफ ये एक मिथ है। बहाव में मुस्तंसर हुसैन तारण माहिरे बशरियात नजर आते हैं। राग को 1999 में बेहतरीन नावल के जुमरे में वजीर आजम अदबी एवार्ड का मुस्तहिक गर्दाना गया, जिसका बुनियादी मौजू सुकूत ढाका और बाद के बरसों में कराची में जन्म लेने वाले हालात हैं। किला जंगी 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के पस मंजर में लिखा गया। उर्दू के साथ पंजाबी में भी नावल निगारी का कामयाब तजर्बा किया। इस सफर में अफसाने भी लिखे। उनकी शनाख्त का एक हवाला कालम निगारी भी है, जिसमें उनका असलूब सबसे जुदागाना है। खसो खाशा के जमाने जखीम नावल है, जिसमें दो खानदानों की कई नस्लों पर फैली दास्तान बयान की गई है। ए गजाले शब सोवियत यूनियन के जवाल के बाद फीके पड़ चुकी सुर्ख रंग की कहानी है, जिसमें लेनिन के मुजस्मे पिघलाकर सलीबें बनाई जा रही हैं और किरदारों में उकताहट बढ़ रही है। उकताहट जो उनमें वापस अपने वतन आने की ख्वाहिश जगाती है, वहां क्याम करने के गर्ज से नहीं कि अब वहां उनका अपना कोई नहीं, फकत नामालूम में झांकने के लिए जब वो ये फैसला करते हैं तो शो की झूठा सामने आता है एक अजीबोगरीब किरदार, जिसका तखय्युल गुमशुदा चीजों तक पहुंच जाता है और कारीन नावल के चार किरदारों ही के जुमरे में आते हैं। इसकी जुबान से सुनते हैं राग और खसो खाशा के जमाने की तरह ये नावल भी पाकिस्तान की मट्टी से जुड़ा नावल है, जिसके किरदार जानदार लेकिन अब माजी हो चुके हैं। खसो खाशा के जमाने बिलाशुबा अजीम नावलों की फहरिस्त में शामिल करने के काबिल है, लेकिन ए गज़ाल शब भी अगरचे जखामत में कदर मुख्तसर है, लेकिन इसे भी एक मास्टरपीस कहा जाए तो बेजाना होगा। जो कारी को तारड़ के उसलूब से आशना है, उन्हें इस नावल में उनका फन अपने उरूज पर नजर आएगा। मुस्तंसर हुसैन तारड़ ने मास्को में अपने क्याम के दौरान जिन हालात व वाकयात का मुशाहिदा किया और मास्को की सफेद रातों में तहरीर किया, इसका अक्स अगरचे जा बजा नजर आता है, लेकिन इस नावल में अंदाजे बयां गहराई और गहराई का जवाब नहीं है। यूं महसूस होता है कि अब आके तारड़ का फन अपने कमाल तक पहुंचा है। इस नावल में तारड़ के किरदार माजी के ख्वाबों के असीर और जिंदगी की लायानियत से तंग आए हुए लोग हैं। इसके अलावा तारड़ साहब कालम निगारी भी करते रहे। इनके कालमों का मजमुआ चुक चुक, उल्लू हमारे भाई हैं, गधे हमारे भाई हैं, शुतर मुर्ग रियासत, तारड़नामा 1, 2, 3 और 4 जिल्दों में ये मुसलसल छप चुका है। आजकल रोजनामा नई बात और हफ्तावार अखबार जहां में भी बाकायदगी से कालम निगारी जारी रखे हुए हैं। इनकी अगर तख्लीकात की बात की जाए तो एक तवील फहरिस्त है, जिसमें खाना बदोश, जिप्सी, उंदलस में अजनबी, प्यार का पहला शहर, नांगा पर्वत, उंजा दास्तान, शमशाल से बेमिसाल, केटू कहानी, बर्फीली बुलंदियां, सफर शुमाल के, गधे हमारे भाई हैं, कैलाश, याक सराय, चतराल दास्तान, द्योसाई, कारवाने सराय, उल्लू हमारे भाई हैं, निकले तेरी तलाश में, बहाव, राग, पखेरू, सनोलीक, नेपाल नगरी, पतली पैकिंग की, याक सराय, और इसी तरीके से लाहौर से यारेकन, मास्को की सफेद रातें, हेलो हालैंड, अलास्का हाईवे, ए गज़ाल शब, खसो खाशा के जमाने, तस्वीर,
और इसी तरीके से स्याह आंख में तस्वीर, देश हुए परदेश, न्यूयॉर्क के सो रंग, अमेरिका के सो रंग, ऑस्ट्रेलिया आवारगी, राका पोशी, सिंध बहता रहेगा, 15 कहानियां, तारणनामा 1, तारणनामा 2, तारणनामा 3, तारणनामा 4, तारणनामा 5, ये वो मशहूर कुतुब है जो इन्होंने तहरीर की। इसी तरह अगर बात की जाए एजाजात की, तो मुस्तनसर हुसैन तारण के अदबी खिदमात के बदले में सदारती तमगाए हुस्ने कारकर्दगी और उनके नावल राख को 1999 में बेहतरीन नावल के जुमरे में वजीर आजम अदबी एवार्ड का मुस्तहिक गर्दाना गया और आपको 2002 में दोहा कतर में लाइफ टाइम अचीवमेंट एवार्ड से भी नवाजा गया। तो प्यारे भाइयों, ये तो थी मुस्तनसर हुसैन तारण से मुतालका मेरी चंद हल्की फुल्की और नाकिस नामुकम्मल राय जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। अब इंतजार रहेगा कि आप इस पर अपनी राय का इजहार कैसे करते हैं। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए लिखारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।